पुलिस वाला सामने खड़ा कि भैया जल्दी बैठे और कुछ मत सोचो, आप बाइक पर बैठे हो, आपको सामने एक ऑरेंज लाइट दिखाई दे रही है जो थोड़ी देर में रेड होने वाली है और आपको वहां रुकना पड़ेगा। इधर एक पूरा बड़ा सारा सर्किल है, इस सर्किल इस लाइट के जस्ट बाद, आपकी वाली लेन की लाइट के जस्ट बाद उधर वाली लेन की लाइट शुरू होने वाली है और उस वाली लेन पर एक कार खड़ी हुई है। तो विवेक ने उस पूरे 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 व्यू को स्कैन कर लिया था, उसको दिख रहा था कि वहां पर एक कार खड़ी हुई है और अगली जो लाइट ग्रीन होने वाली है वही है क्योंकि रोज वहां से गुजरता था, तो उसको ये पता था कि इस लाइट। हेलो गाइस, तो वैलेंटाइंस डे आ रहा है और हम लोग भी आ गए अपनी स्टोरी के साथ। जैसा मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था, वैलेंटाइंस डे के लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल स्टोरी लेकर आया हूं और ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगने वाली है, बहुत अच्छी गारंटीड है क्योंकि स्टोरी के अंदर लव भी है और साथ ही साथ हॉरर भी। तो स्टोरी आपको पसंद आती है तो स्टोरी को लाइक जरूर करें, शेयर करें मैक्सिमम लोगों तक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसी के साथ साथ ये स्टोरी भी हमारे यूजर ने शेयर की है, यूजर ने अपना नाम बदल दिया, उसने मना कर दिया कि मेरा नाम नहीं लेना है, तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं। सो स्टोरी मुझे इंटरेस्टिंग लगी और आप लोगों को भी स्टोरी को सुनने में बड़ा मजा आने वाला है। स्टोरी स्टार्ट होती है विद विवेक एंड निष्ठा। विवेक और निष्ठा दोनों एक ही कॉलेज के एक ही बैच में पढ़ते थे और पहली बार में दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो गए थे। वो पहला दिन था जब क्लासेस शुरू हुई थी और विवेक अपनी सीट से उठकर रूम के बाहर जा रहा था और उसी टाइम पर उसी एग्जैक्ट मोमेंट के ऊपर निष्ठा रूम के अंदर आ रही थी। जैसे ही विवेक की चलते चलते निष्ठा के ऊपर नजर पड़ी, दोनों की नजरें मिली और बस पहली नजर में ऐसा जादू हो गया, दोनों को दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए। नजरें मिली, दिल में गिटार बजी और फिर दोनों अपने रास्ते निकल गए। लेकिन निकल तो गए वो, उसका जो इम्पैक्ट था वो बहुत ही खतरनाक था। विवेक और निष्ठा दोनों दूसरे तरफ बहुत अट्रैक्ट हो गए थे। विवेक को तो उसको देखते ही प्यार हो गया, विवेक को तो लगा कि बस उसे तो अपनी सोलमेट मिल गई है और बस वो अब उसी के बारे में सोचने लगा। मतलब उस मोमेंट के बाद से ही उसके चारों तरफ बस हर थोड़ी देर में उसके सामने चेहरा आता और वो चेहरा वही होता। विवेक अपने सारे काम भूल के वापस से क्लास में आके बैठ गया और उस दिन वो दिन भर बैठा बैठा निष्ठा को देखता रहा। आप सोचो उसको उसका नाम कैसे पता, नाम आपसे पता लग जाता है, आपको भी पता होंगे नाम तो आप सोचो पता कर ही लेते हो। तो वो बस उसको देखता रहा और बीच बीच में निष्ठा भी पूरे क्लास को है ना ऑब्जर्व करने चक्कर में एक दो बार विवेक नजर मार लेती थी। तो ये सिलसिला शुरू हुआ। अब हर दिन विवेक का ही काम था, वो अपनी क्लास में पहुंचता, एक एंगल उसने सेट कर लेता जहां से उसे निष्ठा बहुत अच्छे से दिखाई देती थी और हर दिन क्लास में क्या चल रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उसे उससे कोई मतलब नहीं था। दीन दुनिया से वो ऊपर उठ चुका था, अब उसका बिल्कुल एक ही जगह फोकस था और वो फोकस था निष्ठा पर। जैसा आप में से भी कई लोगों के साथ होता होगा, इस एज में जनरली ऐसा होता ही है। तो ये विवेक का शेड्यूल बन चुका था और वो अपने शेड्यूल को बड़ी निष्ठा से निष्ठा के लिए क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था। जैसे मैंने बताया निष्ठा भी विवेक की तरफ अट्रैक्टेड थी, तो दोनों ही बीच बीच में एक दूसरे को देख लिया करते थे, कोशिश ये करते थे कि जब वो कोई एक देख रहा है तो दूसरा नजर हटा ले, बट आप जानते हो कभी कभी तो क्या होता था, नजर मिल ही जाती थी। तो ऐसे ही तुरंत चलता रहा और उनकी नजरें मिलती रही और आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, देख देख जीने का सहारा हो गया। इस तरह से कहानी की शुरुआत हुई, लेकिन दोनों में से कोई भी किसी को कुछ बोल नहीं पाता। मतलब ऑब्वियसली लड़कियां तो कम ही बोलती है और ये स्टोरी थोड़ी पुरानी है, ऐसा नहीं कि आज के जमाने, आज का जमाना थोड़ा बदल गया है, ठीक है, बट ये स्टोरी है अराउंड, या मान लो उस टाइम का जो जमाना था 2003-2000 के आसपास की ये स्टोरी है, उस टाइम की स्टोरी है, उस टाइम का ये इंसिडेंट है एक्चुअली। तो अब बारी थी विवेक की, विवेक में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाके उसको देखो, ये तो पता था उसको कि निष्ठा उसको पसंद करती है, जो आई कॉन्टैक्ट होते थे, जो भी प्रोसेस चल रहे थे उसमें विवेक को पता था कि निष्ठा विवेक को पसंद करती है, लेकिन उस पर हिम्मत नहीं थी कि वो जाके निष्ठा को ये बात बोल पाए। वो बहुत तरीके सोचता था, वो सोचता था कैसे मैं निष्ठा को बताऊं कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, कैसे मैं अपनी फीलिंग्स उसके सामने उजागर करूं। तब आप बोलोगे सर व्हाट्सएप कर देता, उस टाइम पे व्हाट्सएप वगैरह इतना चलता नहीं था इंडिया के अंदर और फोन्स वगैरह भी इतने अवेलेबल नहीं थे। तो ठीक है, उसने तरीके ढूंढना शुरू किया, बहुत कोशिश करता कि वो उसने घर से उठ के मन बांध के नहीं आज तो मैं बोल के जाऊंगा। जैसे निष्ठा के सामने जाता उसकी हालत टाइट हो जाती, उसके मुंह से वर्ड्स ही नहीं निकलते थे, बेचारा बोलना चाहता कुछ बोल ही नहीं पाता था और चुपचाप अपना समूह लेके हंस के वो निकल जाता। वो हंसता था, निष्ठा भी उसके अंदर हल्का सा हंस देती थी, ठीक है, पर पता नहीं क्यों उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जाके निष्ठा को बोल पाए। चलती रही कहानी, ऐसे ही टाइम गुजरता गया। विवेक का एक दोस्त था, उसका नाम था रचित। रचित उस कॉलेज में तो नहीं था
लेकिन रचित विवेक का बचपन का दोस्त था, बहुत पुराना उसका दोस्त था वो, और वो उसके साथ अपनी हर बात शेयर किया करता था। विवेक जब कॉलेज में था तो रचित अपने पापा का बिजनेस संभाल रहा था, उसने मतलब बेसिकली वो अपने बिजनेस में चला गया था, और उनका मतलब हर दो तीन दिन में एक बार मिलना हो ही जाता था। तो विवेक ने रचित को बताया कि रचित ऐसे करके निष्ठा करके लड़की है और मुझे वो बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं उसको प्रपोज नहीं कर पा रहा हूं, उसे बोल नहीं पा रहा हूं कि उसे कितना प्यार करता हूं। तो रचित ने बोला, जब तू बता इतना तू प्यार करता है उससे, तू इतना पसंद करता है, तो जाके बोल देना, क्यों नहीं बोल रहा है। बोला, मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ, बहुत बार मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन मैं उसको कुछ बोल ही नहीं पाता हूँ, मैं उसके सामने जाता हूँ और मेरे मुंह से ना लफ्ज ही नहीं निकलते। तो रचित ने बोला, भाई अगर तू नहीं बोलेगा तो कैसे काम चलेगा, उसे कैसे पता चलेगा, और सोच अगर तू इसी डर में जी गया और तूने उसको प्रपोज नहीं किया, तूने नहीं बोला और कोई और आके उसको प्रपोज करके ले गया, तो बोलता है, ओह शिट यार, ये बात तो मैंने सोची नहीं। तो बोलते हैं, हाँ टाइम नहीं लगाना चाहिए, टाइम लगाना चाहिए, तुझे वो पसंद है तो जाके बोल, क्या होगा, ज्यादा ज्यादा तुझे ना करेगी। बोलते यार इसी बात का तो डर है, अगर उसने ना कर दिया तो मेरा क्या होगा, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर उसने ना कर दिया तो मैं तो कहीं का भी नहीं रहूंगा, मतलब मुझे कोई दूसरा ऑप्शन दिखाई नहीं देता है, मुझे लगता है दुनिया में मेरे लिए बचेगा क्या। तो बोलते हैं, नहीं यार ऐसा नहीं होता, तू पागल है क्या, तू जैसे बता रहा है तू देख के स्माइल भी करती है, तुम्हारा आई कॉन्टैक्ट भी होता है, तो जाके बस उसे प्रपोज कर और वो जैसे तू बता रहा है तुझे जरूर हाँ बोल देगी, तो इस चीज़ की तू बिल्कुल चिंता मत कर, बस तू थोड़ी हिम्मत जुटा और प्रपोज कर, मैं तुझसे बता रहा हूँ जैसे तू बता रहा है ना तुझसे पक्का हाँ बोलने वाली है। अब रचित ने विवेक को कॉन्फिडेंस से भर दिया, दोस्त का दिया कॉन्फिडेंस तो लाइक अलग लेवल का होता है, दोस्त ने बोल दिया ना, तो बस दोस्त का सपोर्ट है पूरा पूरा, उसने ठान लिया विवेक ने, उसको एक बात समझ में आ गई थी कि आज नहीं तो कभी नहीं, मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं, और विवेक ने ठान लिया कि ठीक है भाई मैं कल ही जाके उसे प्रपोज करूंगा। और अब विवेक घर पहुंचा। अब आप अगर आप इस फेज से गुजरे हो, अगर आपने ये फेज जिया है कि अभी नहीं तो कभी नहीं और आपको प्रपोज करना है, तो आप समझ सकते हो कि कितनी एंजाइटी होती है, कितनी बेचैनी होती है। इसी बेचैनी में विवेक भी पड़ गया था, वो मैनिपुलेट कर रहा था कि वो कल क्या बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा, वो कैसे बताएगा कि वो निष्ठा से प्यार करता है, और अगर उसने हाँ बोला तो क्या होगा, उसने ना बोल दिया तो क्या होगा। इन्हीं सभी मैनिपुलेशन में उसका टाइम गुजरता जा रहा था, उसको ये भी प्लान करना था कि वो कब कहाँ कैसे जाकर बोलेगा, सारी प्लानिंग दिमाग में चल रही थी, बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन दिमाग में चल रहे थे, और इन मैनिपुलेशन चलते थे पता नहीं कब रात गुजर गई। वो बंदा जो रात को 12 बजे के आसपास सो जाया करता था, वो अभी 3-3:30 बजे तक भी जाग रहा था, और अल्टीमेटली उसने डिसाइड किया कि वो कॉलेज गेट से निष्ठा के साथ क्लासरूम तक जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर शायद वो अकेले रहते थे, फॉलो तो उसको करता ही था, उसके आसपास नहीं था, तो बहुत सूटेबल टाइम होगा उसके लिए उसको बोलना। कॉलेज टाइम उनका 7:30 था और अराउंड 7:45 के आसपास उनकी क्लासेस शुरू हो जाती थी, मेन गेट से लेकर क्लासरूम पहुंचने तक 5-10 मिनट का टाइम तो लगता ही लगता था। तो विवेक ने पूरी प्लानिंग की कि वो एग्जैक्टली 7:30 के आसपास 7:30 पर कॉलेज पहुंच जाएगा गेट पर, उसको निष्ठा से पहले पहुंचना होगा ताकि वो वेट कर पाए, और फिर उसी के साथ साथ वो चलेगा। इतना तो सो कॉन्फिडेंस था ही क्योंकि उनका आई कॉन्टैक्ट वगैरह होता था, स्माइल तो पास होती थी, तो कहीं ना कहीं विवेक को पता था कि निष्ठा उसको पसंद करती है, बट स्टिल जब तक आप बोलोगे नहीं सामने वाले की फीलिंग्स को आप कैसे पता कर सकते हो। तो ठीक है, विवेक ने प्लान कर लिया सारा, और सोचते सोचते उसको नींद लग गई, कब लगी पता नहीं, लेकिन अचानक से उसकी आँख खुली, उसने देखा घड़ी में 7:20 हो चुकी है। वैसे विवेक का प्लान था कि वो 7 बजे उठकर 7:30 तक आराम से पहुंच जाएगा, लेकिन अब वो लेट हो चुका था, तो विवेक को लगा कि आज नहीं तो कभी नहीं, है ना, बस उसका एक स्लोगन बन गया था। वो फटाफट से उठा, प्रश उसने किया और सब कुछ भूले, कुछ खाया पिया नहीं, कुछ भी नहीं, और फटाफट से उठ के अपनी बाइक निकली। तो 7:25 5 मिनट बहुत देर, कैसे हो सकता है, हाँ हो सकता है, पूछो उनसे जो इस फेज से गुजरते हैं, समझ रहे हो है ना। आपस तो कई लोग ऐसे होंगे जो गुजर चुके होंगे या गुजरने वाले होंगे, इसकी तैयारी कर लीजिए। तो 5 मिनट में तैयार होकर बाइक लेके निकल गया, और उस टाइम पर उसके बाद बाइक थी जो कि पल्सर बाइक, आपने पल्सर 1 उस टाइम की वो स्पोर्ट्स बाइक हुआ करती थी, उसके पास बाइक थी, बढ़िया तेज चलती थी, आजकल तो बन अभी भी चलती, चलने को तो जानती ना, तो सकते उसने अपनी बाइक निकाली और जल्दबाजी के अंदर अपना हेलमेट ले जाना भूल गया। अब उसको लगा कि मैं हेलमेट ले जाऊंगा, मेरा टाइम और वेस्ट होगा, उसका टारगेट तो इस टाइम आपको पता ही, उसका टारगेट कहाँ पे था, उसमें कुछ नहीं, ठीक है आज निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके घर से लेकर के कॉलेज तक टोटल 4 लेट्स पड़ती थी, और जनरली वो जब जाता था तो वहाँ पे पुलिस वाले नहीं रहते थे, सुबह सुबह के टाइम तो जनरली 8-9 बजे के बाद ही आते हैं, तो विवेक को पक्का था कि वो निकल जाए, कोई इशू नहीं है। उसने अपनी बाइक को भगाना शुरू किया, 70 to 80
किलोमीटर पर आवर की स्पीड तो अपनी बाइक को चला रहा था। जनरली सिटीज के अंदर आप इतनी स्पीड पे नहीं चलाते हो, 80-90 बहुत ज्यादा हो जाती है। जनरली तो वो 50-45 पर चलाया करता था, पर आज तो उसको बहुत जल्दी पहुंच रहा था। उसका टाइम जो था मैनेजमेंट चला था, तो बहुत तेज अपनी बाइक चला रहा था। और जैसे वो फर्स्ट रेड लाइट पे पहुंचा, उसको ग्रीन सिग्नल क्रॉस हो गया, तो आज तो बहुत ही बढ़िया है, पहला सिग्नल क्रॉस हो गया, ग्रीन हो गया, तब तो भाई सभी पे मजा आने वाला है। दूसरा गया, वो भी उसको ग्रीन मिला, वो भी क्रॉस हो गया। तीसरा मिला, वो भी उसको ग्रीन मिला, क्रॉस हो गया। अभी तक विवेक बहुत सारा डिस्टेंस कवर हो गया। अभी लास्ट रेड लाइट थी, जिसके बाद कोई रेड लाइट नहीं थी, खाली सड़क थी, और विवेक मुश्किल से 3 मिनट के अंदर वहां के बाद कॉलेज पहुंच जाता। 7:35 पहले से ही हो चुके थे, और अब विवेक के सामने सिर्फ एक रेड लाइट थी जिसको उसे क्रॉस करना था। विवेक चल रहा था अपनी स्पीड के ऊपर, ट्रैफिक बहुत लाइट था क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था। सामने उसको रेड लाइट दिखी, 450-450 मीटर दूर से उसने रेड लाइट को देखा, तो अभी राइट वो राइट ग्रीन थी, तो विवेक को लगा वाह मजा आ गया, चौथी लाइट भी ग्रीन है। और उसने और तेज बाइक की स्पीड की, जब तेज बाइक की स्पीड तेज थ्रॉटल दिया ही था कि अचानक से वो जो लाइट थी वो ऑरेंज हो गई। अब आप जानते हो ऑरेंज लाइट थोड़े से मोमेंट के लिए रहती है, और इसी में विवेक की स्पीड बहुत तेज थी। 400 मीटर डिस्टेंस कवर करना बहुत बड़ी बात नहीं है जब आप 80-90 की स्पीड के ऊपर चल रहे हो। तो विवेक ने सोचा कि यार मैं आज तो मैं इसको क्रॉस कर ही जाता हूँ। ऑल्दो विवेक को लग गया था कि जब तक वो सिग्नल तक पहुंचेगा तब तक हो सकता है राइट लाइट जो है वो रेड हो जाए, लेकिन उसने चांस नहीं लिया। उसने बोला ठीक है आज तो मैं इसको मुझे जंप करना ही पड़ेगा वरना मैं और लेट हो जाऊंगा। साथ ही साथ विवेक की नजर, अब ये सारी चीजें मैं तो वर्ड्स में बता रहा हूँ पर ये सारी चीजें एक साथ चल रही थी, तो जस्ट इमेजिन आप विवेक हो, आप बाइक के ऊपर बैठे हो और कुछ मत सोचो, आप बाइक पर बैठे हो, आपको सामने एक ऑरेंज लाइट दिखाई दे रही है जो थोड़ी देर में रेड होने वाली है और आपको वहां रुकना पड़ेगा। इधर एक पूरा बड़ा सारा सर्किल है, इस सर्किल इस लाइट के जस्ट बाद आपकी वाली लेन की लाइट के जस्ट बाद उधर वाली लेन की लाइट शुरू होने वाली है, और उस वाली लेन पर एक कार खड़ी हुई है। तो विवेक ने उस पूरे 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 व्यू को स्कैन कर लिया था, उसको दिख रहा था कि वहां पर एक कार खड़ी हुई है और अगली जो लाइट ग्रीन होने वाली है वो ये, क्योंकि रोज वहां से गुजरता था, तो उसको ये पता था कि इस लाइट के रेड होते ही वो कार वहां से निकलेगी। उसको ये भी मैनिपुलेट करना था कि क्या वो उस कार को क्रॉस कर पाएगा, और उसके दिमाग में मैनिपुलेशन चल रही थी। उसने डिसाइड कर लिया था कि आज तो मैं इस कार को क्रॉस कर ही जाऊंगा, कोई इशू नहीं है। उसने अपनी बाइक की स्पीड को और तेज कर दिया। अब आप सिचुएशन को इमेजिन करो, यहां से वो बहुत तेजी से आ रहा है, वहां से वो कार वाला उसको पता ही नहीं था, और शायद वो भी किसी को प्रपोज करने जा रहा था, वो भी अपनी बहुत तेज मतलब स्पीड में था, रुका हुआ था, उसको भी बहुत जल्दी से जाने की। तो एक्चुअल क्या हुआ, जैसे ही विवेक इधर से पहुंचा उधर से, वो विवेक जस्ट सिग्नल पे पहुंचा ही था, मतलब जस्ट सिग्नल पे पहुंचने था कि अचानक से रेड लाइट हो गई और उधर की लाइट ग्रीन हो गई। ग्रीन होते ही वो कार वहां से निकली। अब विवेक इधर से जा रहा है और कार वाले से, कार वाले को पता नहीं था इधर से कोई बाइक वाला आ रहा है, वो भी अपने फुल थ्रॉटल के अंदर निकला वहां से, और इधर से विवेक उस कार को देखता हुआ जा रहा था, और विवेक मैनिपुलेट कर रहा था कि वो उस कार को क्रॉस कर लेगा। और इस तरह से दोनों गाड़ियां उसी तरफ आती थी, और लास्ट मोमेंट पर नहीं, आपको ऐसा लगा एक्सीडेंट नहीं, आपने ही इमेजिन किया। तो लास्ट मोमेंट पर क्या हुआ, विवेक ने अपनी बाइक थोड़ा स्लांट किया और बस 1 इंच के गैप से, विवेक अच्छी खासी बाइक चलाता था, तो वो कार आई उसमें बाइक के सामने माना स्टंट मारा हुआ लोगों ने, बस बिल्कुल 1 इंच से बचकर विवेक वहां से निकल गया। अगर आप उसकी जगह होते आप इसे क्या बोलोगे, भाई आज तो बच गए। बस पीछे देख के ऑब्वियसली बाइक की स्पीड थोड़ी स्लो कर ली थी, पीछे देख के ऐसे घुमा, अगर अचानक क्या कहता छुटने का नहीं, सामने ट्रैफिक पुलिस वाला था। सिग्नल को क्रॉस करने के थोड़ी दूर बाद करीबन 100 मीटर के आसपास एक इंटरसेप्टर खड़ी थी। इंटरसेप्टर समझते हो, वो जिप्सी जो स्पीड नापती है। विवेक ने एक्सपेक्ट नहीं किया था सुबह सुबह इंटरसेप्टर वहां खड़ी होगी। जैसे उसने बाइक को रोका, पुलिस वाला सामने खड़ा, कि भैया बहुत जल्दी है ए? क्या भाग रही है, चलते नहीं मेरे सर, बस कॉलेज आ रहा था। कॉलेज आ रहा था, हेलमेट क्या तेरा है, और स्पीड कितनी थी, स्पीड कितनी थी, रात्रि तेरी स्पीड कितनी थी, 80 की स्पीड पे बाइक चला रहा, तो 80 की स्पीड पे है, चल लाइसेंस निकाल, इंश्योरेंस निकाल, गाड़ी साइड में लगा। अब आप जानते हो भारतीय पुलिस है ना, तो वो भी ट्रैफिक वाली, तो उन्होंने उसको धर लिया। अरे सर सर प्लीज सर जाने दो, मेरा एग्जाम है, मेरे को लेट हो जाऊंगा, बोलता है सब एग्जाम है, चल साइड में लगा गाड़ी, लाइसेंस निकाल, बोलता है लाइसेंस और इंश्योरेंस निकाल, सर ये रहा लाइसेंस, इंश्योरेंस तो मेरे पास नहीं है, ओहो इंश्योरेंस भी नहीं है, ठीक है बेटा तेरा चालान कटेगा, तेरा सर प्लीज जाने दो ना, सर मैं लेट हो रहा हूँ, मेरा एग्जाम है, मैं छूट जाएगा तो मतलब मेरा करियर खराब हो जाएगा। बोलता है मुझे उससे क्या मतलब है, तूने एक साथ चार चार रूल तोड़े, देख तेरे पास हेलमेट नहीं है, ठीक है तेरे पास इंश्योरेंस नहीं है, तू ओवर स्पीडिंग कर रहा था और साथ साथ तूने रेड लाइट जंप कर दी, तेरा तो बड़ा वाला कटने वाला है। बोलता है सर प्लीज मुझे जाने दो,
मेरा आज एग्जाम है और मैं आज के बाद आगे कभी ऐसा नहीं करूंगा। तो सोचता है मेरे थोपड़े पे क्या सी लिखा है, गजब बेइज्जती है। नहीं, चालान तो रोकना पड़ेगा। चलो दरवाजा जिप्सी में साफ बैठे, चालान भर गया। अब विवेक को लगा कि आज का दिन ही खराब, उठा भी लेट, यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो गई। उसने किसी तरह सेटिंग करके कर करा के पुलिस वाले को 400 रुपये पड़ा, मेरे को 400 रुपये चाय पानी कर लो, और वहां से बाइक लेके निकल गया। निकल के वो कॉलेज पहुंचा, कॉलेज बिल्कुल सन्नाटा, क्लासेस शुरू हो चुकी थी। कॉलेज पहुंचते पहुंचते उसको 8:05 हो गए थे ये सारा कचरा करने के अंदर। अब 8:05 जैसे क्लास में घुसने लगा तो उसने प्रोफेसर से पूछा, सर मैं एकदम, प्रोफेसर के साथ पहले से अपनी बीवी से झगड़ा हो गया था आने से पहले। प्रोफेसर चिल्ला गया, ये क्या बदतमीजी, क्या टाइम है ये? तो सर वो मुझे पुलिस वाले रोक लिया था इसलिए मैं लेट हो गया था। धर्मशाला तुम रखा तुमने क्लास को, निकल जाओ क्लास से, कोई क्लास में नहीं घुसेगा, ये टाइम है तुम्हारा आने का, क्लास स्टार्ट होती 7:45 पे, तुम आ रहे हो 8:05 पे, निकल जाओ मेरी क्लास से। अब कॉलेज के प्रोफेसर से आप ज्यादा पंगा ले नहीं सकते, एड़े होते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच जाओगे तो वहां देखोगे आप प्रोफेसर से पंगा ले सकते, और अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में सब कुछ चलता है, तो खैर सब चीजें बाद में बात करते हैं। तो उसने उससे बेचारा क्या कर सकता था, चुपचाप अपना सब मुंह लेकर पूरी क्लास उसको देख रहे थे, ऐसे मिस्टर उसको देख के आ रही थी, और वो है ना सरमाने वाली स्माइल होती है वो करके, और वो भाई साहब चला गया ठीक है। जाके क्लासरूम के पास में सीढ़ियां थी वहां बैठ गया, और बैठे बैठे सोचने लगा क्या यार कितनी मैंने सपने सोचे थे, कितना मैंने सोचा था कि आज मैं बड़ी हिम्मत करके आया था और मेरा सारा चांस चला गया। ऐसे ही बस वो सोच रहा था, उसको और भी दिखता था वो इंस्टा के बारे में सोचते सोचते, उसको पता नहीं चला कब टाइम निकल गया, कब क्लास खत्म हो गई। तभी अचानक से आवाज से उसका ध्यान टूटा। आवाज, हेलो कैसे हो? उसे घूम के देखा तो निष्ठा जब उसके पास में सीढ़ी पे बैठ गई। वो उधर से पड़ा, तुम? हाँ, तुम्हारा नाम विवेक है ना? विवेक खड़बड़ा गया, खुशी वाले तो तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मुझे तो तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ पता है, निष्ठा बोली। विवेक बोला कि क्या पता है, मतलब ऐसा क्या पता तुम्हें? तो उसने बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर तुम मुझसे कॉफी मिलोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि मुझे क्या पता है। इट्स लाइक तो दिल की मुराद पूरी हो गई, इससे ज्यादा और दुनिया में क्या चाहिए भाई। विवेक तो वो था बिल्कुल, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं। विवेक तो मतलब बिल्कुल फ्लाइंग इन द एयर हो गया था। विवेक का दिल गदगद आ गया, विवेक के अंदर से ऐसी बिल्कुल वेव छूट रही थी। वाह, मैं जो जिंदगी में चाहता था, जो करने में आया था, वो तो अपने आप ही हो गया है। अब विवेक ने बोला कॉफी 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 मेरे साथ, मेरे साथ? बोलती हाँ हाँ, मतलब आज शाम को? तो बोलता हाँ ठीक है ठीक है, कहाँ पर? बोलती सीसीडी, शाम को 7 बजे कॉफी में मिलता है। बोलता ओके बिल्कुल डन। विवेक और क्या बोल सकता था, उसको पता नहीं था कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा था, समझ में नहीं आ रहा था उसको। विवेक ने उसको हाँ बोला, निष्ठा बोलती है कि ठीक है चलो फिर शाम को मिलते हैं, उठ के चली गई। अब तो आप समझ सकते हो विवेक की वो स्टेट, उसके शाम के 7 ही नहीं बज रहे थे, टाइम गुजर ही नहीं रहा था। विवेक बहुत कोशिश कर रहा था कि 7 बज जाए। वो 6:30 बजे जाकर सीसीडी पे बैठ गया और निष्ठा का वेट करने लगा। 7:05 पर निष्ठा आई, और इस तरह से विवेक और निष्ठा की कहानी शुरू हुई। कॉलेज में मिलते रहे, स्टोरी चलती रही, जिंदगी गुजरती रही, कॉलेज खत्म हो गया, उसके बाद भी दोनों आपस में कनेक्टेड रहे, जॉब्स के साथ भी सेम ही शहर में दोनों ने जॉब भी की और वहीं पे रहे, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग शादी करेंगे। किस्मत आप देखें, उन्होंने अपने घर वाले को बताया कि भाई हम ऐसे शादी करना चाहते हैं। घर वाले बहुत ही ओपन माइंडेड थे, उन्होंने भी कहा ठीक है भैया तुम जहाँ पे खुश बढ़िया से आप शादी करो, रहो, हमें कोई इशू नहीं है। तो शादी हुई, शादी में उनको ने फ्लैट भी गिफ्ट किया 2 BHK उसी शहर के अंदर, ताकि वो अपनी जिंदगी अपने आप हिसाब से जी पाए। बड़े ही ओपन माइंडेड घर वाले थे, काश हमारे भी होते, ठीक है। इस तरह से उनकी जिंदगी शुरू हुई और दोनों की शादी भी हो गई। तो 5-6 साल इस पूरे प्रोसेस को लगा और दोनों की शादी हो गई, दोनों बढ़िया से उस फ्लैट के अंदर रहने लगे। लेकिन शायद किस्मत को इतनी स्मूथ स्टोरी मंजूर नहीं थी, किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही डिसाइड किया हुआ था। जो डेस्टिनी होती है ना, उसने कुछ और यहाँ पे डिसाइड किया हुआ था। तो क्या डेस्टिनी डिसाइड किया हुआ था, ऐसा क्या हुआ कि इतनी सुंदर, इतनी खुश नुमा स्टोरी के अंदर ऐसे क्या ट्विस्ट आए कि उसे हॉरर टर्न मिल गया, वो मैं आपको बताऊंगा अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और स्टोरी का अगला पार्ट आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगने वाला, बड़ा मजा आने वाला है। तो जरूर ट्यून करें हमारे चैनल पे और बने रहें हमारे साथ।